दिस इज मिताली, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। नाउ वी आर ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है अबाउट दी डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, अ वेल लेबर डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, और हमने पहले भी हमारे इंडेक्स क्वेश्चंस में एक बार क्वेश्चन नंबर न्यूरॉन का डायग्राम प्लस उसकी वैल्यूएबल और उस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्या है, नेम दी फॉलोइंग। नाउ वी हैव दी पार्ट्स। यहाँ पर हमसे जिस तरीके से मैंने आपसे पिछला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, मतलब इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस करे है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं आपको कोई भी मसल फाइबर दे देती हूँ, then we need to differentiate और we need to tell कि उनका क्या function है या फिर उनका क्या shape and structure है, location है। इस type के हमें answers देने पड़ते थे। अब यहाँ पे हमसे उल्टा question पूछा गया है। यहाँ पर हमसे एक बता दिया गया कि या तो उसका function या फिर उसकी location दे देंगे और या फिर उसकी shape दे देंगे, और based on that we need to answer the following। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपके कमेंट बॉक्स में वैसे तो आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपने चैप्टर की सभी वीडियोस को देखा है तो हमने सभी इश्यूज को, सभी जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, एक एक बार हमने उन्हें पढ़ा ही है। बट इन केस अगर आपको अभी नहीं आता है तो इसे यहाँ से कवर करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला वी हैव टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो ये कौन सा टिश्यू है और हमने कौन सी कैटेगरी में पढ़ा है, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगी कि कौन सा जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग पे बेस्ड होता है या फिर प्रेजेंट होता है। तो दैट इज आवर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बेसिकली हम कौन सी कैटेगरी में है, हम एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरी में। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे इनर लाइनिंग हो गया, हमारी स्किन हो गई, ईसोफेगस हो गया यानी कि हमारा फूड पाइप, यहाँ पर कौन से सारे टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे साथ टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स इन ह्यूमंस। तो अब हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा टिश्यू है, दैट इज कनेक्टिंग टिश्यू। क्योंकि सबसे पहले आपको यहीं पे पहचानना है कि कोई भी एपिथेलियल या प्लांट में तो पहुंचना ही नहीं है क्योंकि हम ह्यूमंस में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एनिमल टिश्यू की तो बात कर ही रहे हैं। अब एनिमल टिश्यू में भी ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि दो पार्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, तो मतलब कि कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू है। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज द टेंडन्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द कनेक्टिव टिश्यू जो बोन्स को बोन्स के साथ ही कनेक्ट करता है, तो वो कौन सा है, जल्दी से बता दो, लिगामेंट्स। यस, तो हमारे वो लिगामेंट्स है। इस तरीके से मैं साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती जा रही हूँ जिन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट। तो वैसे कौन से टिश्यूज हैं जो हमारे प्लांट में, जहाँ पर फूड का प्रिपरेशन होता है और फिर बाकी सभी प्लांट्स के पार्ट्स में उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जाइलम का भी पूछा जा सकता है कि हमारे रूट से लीव्स तक जितना भी ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, वो कौन करता है, जाइलम करता है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, फूड का ट्रांसपोर्ट पूछा गया है, तो वी आंसर दी एट इट एज फ्लोएम। ठीक है, तो नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए मूव करते हैं अपने, क्या है हमारे थ्री पार्ट, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी का सभी फैट स्टोर करके रखता है, सो दैट इज दी एडिपोज टिश्यू। और ये हमने एपिथेलियल के बीच में जो लेयर्स होती है वहां पर हमने इसे स्टडी किया था। ठीक है, सो वी नीड टू रिमेम्बर कि जहां पर भी हमारी बॉडी में फैट होता है वो कौन से टिश्यू के द्वारा स्टोर किया जाता है, दैट इज दी एडिपोज टिश्यू। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। नाउ द कनेक्टिव टिश्यू, अब ऑलरेडी बता दिए कि कनेक्टिव टिश्यू तो है ही विद द फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू है। आप बल्कि ये भी देख सकते हो कि पूरा जितना भी हमने टिश्यूज में पढ़ा है, ऐसा ज्यादातर कोई टिश्यूज नहीं है जो फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ हो, यानी कि जिनका मीडियम फ्लूइड हो, तो वो कौन सा टिश्यू है, दैट इज
blood. Okay, so blood is that connective tissue with the fluid matrix. Now moving on to the last part, which is tissue present in the brain. That is very simple. हमारा कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी से कनेक्ट करता है? That is the nervous tissue. ठीक है? And together nervous tissue plus muscular tissue ही वो nerve impulses को combine करती है, make करती है और जिसके through हमारी body में messages receive करना और लेना चलता है. ठीक है? So this is all about your tissues के किस तरीके से आपको one word answers में पूछा जा सकता है. ठीक है? चलिए move करते हैं अपने next part के साथ. So stay tuned with us. Up till then, bye bye.